हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी. वेलकम टू अन अकेडमी. थोड़ा सा वेट करते कुछ आधा मिनट कि कुछ लोग और ज्वाइन कर लें. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर देयर. वेरी गुड. ओके, सो हाँ, तो अन अकेडमी पर इस तरह के कोर्सेज के लिए आप रोज दोपहर 12 से 1:30 के बीच में अन अकेडमी का जो लर्निंग है, पहला लर्निंग ऐप के ऊपर आप जाएं, वहां पर अपने प्लस स्टेप के ऊपर जाके सबसे जाएं और वहां पे 12 से 1:30 के बीच में कई इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं फॉर योर एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, कई तरह अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्स है उनके जो स्पेशल कोर्स है वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू विजिट अन अकेडमी ऑफ ऐप फ्रॉम 12 to 1:30. और जब भी क्लास का टाइम होगा आपको क्लास का टाइम वहां पर बता दिया जाएगा. उसकी प्राइसेस काफी कम रखी गई हैं, जस्ट 1 rupees, या कभी दूसरे 49 या दूसरे कोर्सेज भी यहाँ पर होते हैं. तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. और बहुत जल्दी आपका एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो आने वाला है, तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, एग्जाम के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए. और बिल्कुल अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और इस बार आप लोगों को एग्जाम निकालना ही है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं. प्रणाम प्रीति, डोंट कॉल प्रणाम वगैरह नहीं, प्रणाम, आपके चरणों में वंदन. ठीक है, सो पीएससी कब आएगी, पीएससी कब आएगी गॉड नोज, वही जाने. लेकिन फिर भी आप फरवरी लास्ट या फिर मार्च के मंथ के अंदर मान सकते हैं कि मार्च के अंदर हो सकता है एग्जाम यहाँ पर हो सके. ठीक है, तो फरवरी मार्च के आसपास जो है इट मे बी कि एग्जाम जो है वहां पर हो सकेगा. देयर इज नो कंफर्म न्यूज क्योंकि अभी पता नहीं कब होगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो हम इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर काफी लोग होंगे जिन्होंने हम जहां पर हमने अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड वीक का जो करंट अफेयर है वो वहां पर किया था. कितने लोग थे उस समय पे? आवाज कट रही है. ओके, कार्तिकेय इज ऑलवेज देयर. ओके, सो आई थिंक अगर वो आप वहां पर होंगे तो आपका भी पूरा ये और वो मिला के पूरा जो है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. अक्टूबर करंट अफेयर 3rd and 4th week. इट्स माय फर्स्ट क्लास. इट्स नेम इज गरिमा शी. ओके, और कुछ सरनेम होगा उनका. ठीक है, पूरा नहीं लिख पाए. ठीक है, और कौन है, अंकित भारद्वाज, ही इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम. तो ये आप भी जो फर्स्ट टाइम है वो बाकी लोगों को तो पता है 12 से 1:30 के बीच में अन अकेडमी पर बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर रहते हैं. परसों मेरा नवंबर 1st और 2nd week का कोर्स है तो उसको भी आप रजिस्टर्ड करना नहीं भूलिएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो जस्ट तो स्टार्ट करते हैं. अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज के साथ में, राष्ट्रीय खबरों के साथ में. तो पहला खबर यहां पर आता है कि महिला किसान दिवस, इसको सेलिब्रेट किया गया गवर्नमेंट द्वारा 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को. तो बेसिकली वुमेन जो लेबरर्स हैं या वुमेन जो फार्मर्स हैं, अभी उनको जो है वहां पे कॉमेमोरेट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको जो फार्मिंग की नई नई टेक्निक्स सिखाने के लिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं उनके साथ में उनको मिलवाने के लिए जो ये महिला किसान विकास जो किसान दिवस है वो मनाया जाता है. कई पूरे प्रदेश के अंदर जो महिलाएं, महिलाओं को अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वहां पर ले जाया जाता है और कई उनको इस तरह की जो चीजें हैं वो वहां पर दिखाई जाती हैं कि अभी किस तरीके से जो साइंटिफिक इन्वेंशन वगैरह हो रहे हैं, किस तरह से अपने जो फसल है वो फसल को वहां पर वो ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो एवरीथिंग इज क्लियर. स्लाइड दिख रहा है? ठीक है, तो इसके लिए जो है वो वुमन फार्मर्स को वहां पर इकट्ठा किया जाता है और उनको कई तरह की रिसर्च वगैरह उनके बारे में वहां पर बताया जाता है. अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का इवेंट्स यहां पर आयोजित किया जाता है. 2016 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ने यहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट ने तय किया कि अभी हर साल जो है वो 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला दिवस जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा. और उसके कारण कई पिछले 16 के अंदर 17 और 18 तीन साल से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कई तरह के इस तरह के इवेंट्स हुए हैं और इन इवेंट्स के अंदर जो है महिलाओं को इस तरह की कई चीज़ें सिखाने को मिली हैं. और उसके कारण उन्होंने कई अपने कुल के खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर उनके एनजीओ एस्टैब्लिश किए हैं जहाँ पर जो उनका खेती करने के तरीके हैं उनके अंदर काफ़ी सुधार वहाँ पर हुआ है. अगली खबर की बात करें तो फूड सिक्योरिटी स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुई है इन द वेस्ट बंगाल के अंदर. इट्स नेम इज द खाद्य साथी के नाम से. तो अभी आपको जैसे पता होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी
आईआईटी एक्ट जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो है जो तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को जो है वहाँ पर एक रुपये दो रुपये किलो चावल गेहूँ अगर प्रोवाइड किया जाता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ द टू थर्ड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स का बोलना है कि उनका पूरा पॉपुलेशन जो है उसके अंदर कवर नहीं हो पाता। इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो आता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, तो उसके जो डेटा आए थे उसके डेटा के अकॉर्डिंग जो है पूरा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था। लेकिन वहाँ पे कई लोग छूट गए थे, तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया था, आंध्र प्रदेश ने भी स्टार्ट किया था, देन अब जो है वेस्ट बंगाल ने भी स्टार्ट किया है कि अभी उनका कहना है क्योंकि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर इसका जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट यहाँ पर लेने से छूट जाती है। फॉर दैट पर्पज उन्होंने यहाँ पर ये खाद्य साथी स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया है, स्पेशली यहाँ पर जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जंगल महल डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में आपको पता होगा कि आपने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो एरिया है उसके अलावा सिंगूर वाला एरिया है जहाँ पर सिंगूर टी गार्डन्स वगैरह है, तो इन पूरे एरियाज के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक टोटो ट्राइब रहता है और उन ट्राइब को वहाँ पर बहुत ज्यादा वहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबल ट्राइब है, पिछली जातियां हैं, तो वहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स है। वहाँ पर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या फिर आपका MMR मदर मॉर्टेलिटी रेट वगैरह बहुत ज्यादा वहाँ पर डिक्लाइन है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए जो खाद्य साथी स्कीम है वो यहाँ पर उपयोग में लाई जाएगी। इसका उपयोग जो है इस स्कीम के द्वारा जो है लोगों को वहाँ पर जो फूड वगैरह है या फिर जो वो प्रोवाइड वहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक वेबसाइट जो है यहाँ पर अब्दुल उनके नाम से लॉन्च की है, एंड द वेबसाइट इज द कलाम विजन डेयर टू ड्रीम, ठीक है, वेबसाइट है जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उनको लॉन्च किया। तो अभी 15th of October का उनका बर्थडे था और उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अभी जो है उनकी 87th एनिवर्सरी पे ये जो आपका वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर उनके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रीनेमिंग ऑफ इलाहाबाद और से इलाहाबाद से उसको प्रयाग जो है वो नाम यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वहां पर गए और उन्होंने बोला कि अभी इलाहाबाद जो है वो दर्शाता है कि वी आर लिविंग इन द मुगल रूल, हम मुगल रूल के अंदर रह रहे हैं, तो अभी इलाहाबाद से नया नाम जो है प्रयागराज उसने नाम कर दिया, ठीक है। तो अभी उसको काफी आलोचना भी उसका हुआ और अभी रिसेंटली उन्होंने अभी जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या जहां पर है उसका नाम रीनेम करके उसका नाम जो है अयोध्या कर दिया गया। और आज ही मतलब आज टुडे इज द 15th of November, ठीक है, तो आज मतलब कल 14 नवंबर को उन्होंने अपना कैबिनेट का मीटिंग था उसके अंदर जो दोनों नाम है उनको अप्रूवल भी दे दिया और अब ऑफिशियली जो नाम है ऑफिशियल नाम यहां पर चेंज हो जाएंगे। एंड इट डजंट मीन कि अभी नाम यहाँ पर चेंज हो गए तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका नाम वही रहने वाला, वो नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि बम्बई का नाम मुंबई हुआ तो अभी भी उसको बहुत लंबे टाइम तक उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ही बोला जाता था, ठीक है। तो अभी उसके बाद कई ऐसी जगह है जहाँ पर उसके पुराने नाम अभी भी वहाँ पर चलते हैं, मद्रास हाई कोर्ट हम आज के टाइम पे बोलते हैं, एक्चुअली चेन्नई नाउ, ठीक है। तो अभी नाम जो है ये नाम चेंज नहीं किया जाएगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें उड़ी थी कि अभी इलाहाबाद बैंक जो है प्रयागराज बैंक हो जाएगा और अकबर इलाहाबादी इस प्रयागराज इलाहाबादी, कई तरह के मीम्स वगैरह यहाँ पर चले थे। हाँ देखो आधार कार्ड के ऊपर जो अपडेट है इट विल टेक सो मच टाइम, अभी यहाँ पर ये बोला गया ना कि टोटल जो है 2500 करोड़ रुपया यहाँ पर इसको नाम को चेंज करने के अंदर लगेगा क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हर जगह नाम चेंज किया जाएगा और अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर चेंज नहीं होता तो चलता है ना, नया जो भी बनेगा उसके ऊपर इलाहाबाद प्रयागराज नाम रहेगा और बाकी जो पुराने अगर आपके चल रहे तो इनवैलिड नहीं होंगे। डोंट वरी प्रीति, आपके आधार कार्ड के अंदर चेंज नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट, ठीक है। अगला यहाँ पर है मुजफ्फरपुर का जो लीची है उसको GI टैग जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो है यहाँ पर भौगोलिक संकेतक जो टैग है यहाँ पर मिल गया है, तो काफी लंबा लड़ाई लड़ा उन्होंने यहाँ पर लीची के टैग के लिए, तो GI टैग के बाद अभी जो लीची है वो यहाँ पर स्पेशली मुजफ्फरनगर के नाम से वो ऑफिशियली यहाँ पर बेच सकेंगे। तो अभी यहाँ पर बेसिकली मुजफ्फरनगर के बाद अभी यहाँ पर ईस्ट चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो लीची है वो लीची का खेती यहाँ पर किया जाता है। और अभी ये पूरा जो पिटीशन है GI रजिस्ट्रेशन का ये लगाया था लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार उनके द्वारा और उनका जो ये पिटीशन है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया और अभी मुजफ्फरनगर के नाम से यहाँ पे शाही लीची बेचा जाएगा। उसके अलावा बिहार के पास में जो है वो तीन और दूसरे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। पहला है भागलपुरई जरदालू जो आलू अगर आपने सुना होगा सम लाइक जरदालू होता है वो जरदालू अभी यहाँ पर ठीक है उसको यहाँ पर मिला है। दूसरा है यहाँ पर कतरनी राइस एक तरह का राइस होता है यहाँ पर, एंड थर्ड इज द मगाही पान जो वहाँ का पान बहुत ज्यादा फेमस है बिहार का। तो इन तीन चीजों को जो है वहाँ पे पहले ही वहाँ पर उसको जो टैग है वो टैग मिल चुका है और चौथी चीज है जिसको टैग यहाँ पर मिला है ठीक है। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा और आप जरदालू और इन सब के बारे में थोड़ा और सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको
और काफी हेल्प वगैरह यहाँ पर इन चीजों के बारे में मिल सके। अगला खबर यहाँ पर इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक जो है प्रतियोगिता जो रिपोर्ट है 2018, उसके अंदर भारत को 58वां स्थान, 58th पोजीशन यहाँ पर भारत को इसके अंदर गेन हुआ है। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा उसको लॉन्च की जाती है, और किसी भी एमपी में किन्हें मिला है नहीं, देखो वो जो जब आप अप्लाई करते हो उस समय आपको मिलता है, ठीक है। तो एमपी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका चंदेरी का साड़ी है, अभी शरबती गेहूं हो गया, इंदौर के जो कड़कनाथ मुर्गा हो गया, इंदौर का जो इट्स कॉल्ड चमड़ा वाला जो चीजें हैं उनको मिला है अभी तक। हाँ, 7 चीजों को मध्य प्रदेश के अंदर मिल चुका है। तो अभी जब जो अप्लाई करता है वो उसको मिलता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक टाइम पे मिलता है, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई वो आपको वहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो 58 पोजीशन मध्य प्रदेश भारत का इसके अंदर यहाँ पर आया है इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। सर नीड टू गो फॉर ऑफिशियल कॉल, सॉरी आयुषी, ओके दैट्स ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 58 पोजीशन यहाँ पर उसको आया है, ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अभी इंडिया का जो रैंक है वो पिछली बार से उसने इंडिया ने यहाँ पर 5 पोजीशन जो है यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आया, इट्स रूज 5 पोजीशन 2017 के कंपैरिजन में। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी देश के अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है, जो कंपनीज हैं वो कंपनीज किस तरह से यहाँ पर अपना जो बिजनेस है वो अपना वो कर रही है, कंपनीज को कितनी अच्छी तरीके से वहाँ पर लैंड वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, या दूसरी जो भी फैसिलिटीज हो किस तरह यहाँ पर जो बाहर की कंपनीज हैं या कंपटीशन जो है कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर अवेलेबल, कितने अच्छे तरीके से अपना कंपटीशन के अंदर वो बिजनेस कर सकती हैं, वो सब चीजें यहाँ पर बेसिकली देखी जाती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है इस यूएस, और सेकंड पोजीशन सिंगापुर है, तो थर्ड इज जर्मनी को यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर मिला है। और अभी G20 कंट्रीज के अंदर देखें तो अभी इंडिया का जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है कंट्रीज के द्वारा, इट्स लॉन्च बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। तो अभी इंडिया का 58th रैंक इसके अंदर 62 स्कोर आउट ऑफ 100 जो है वहां पर इंडिया को इसके अंदर मिला है। तो काफी अभी इंडिया का रैंक है काफी इसके अंदर पिछले 4-5 सालों से काफी इंक्रीज यहां पर हुआ है, ठीक है। अरे उससे आगे बढ़ो यार, वो हो गया टॉपिक, ठीक है, अभी इस पे ध्यान दो, वो हो गया उस समय पे, ओके। तो नेक्स्ट इज द NCR रास्ता एंड द यात्री रास्ता। अभी यहाँ पर जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है इन्होंने 2 मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो NCR रास्ता इज द रेलवे असेट्स समराइज ट्रैकिंग एप्लीकेशन, एंड द यात्री रास्ता इज द रेलवे अप्रोच टू स्टेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन। दो नए एप्लीकेशन लॉन्च किए, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है ये, ठीक है। तो पहला जो NCR रास्ता है वो रास्ता का बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा रेलवे की जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो अलग अलग एरियाज के अंदर रेलवे की प्रॉपर्टीज होती हैं, कि अभी आप जब रेलवे से ट्रेवल भी करते हो तो आपको पूरे रास्ते के अंदर अलग अलग कुछ स्टेशन हैं वहां पर कई उनके बॉक्सेस वगैरह लगे रहते हैं, ऐसे कई चीजें वहां पर उनके अलग अलग जगहों पर रहती है और उनको फाइंड आउट कर पाना स्पेशली रात के अंदर काफी मुश्किल हो जाता है, नेविगेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने गूगल का रास्ता गूगल के साथ में हेल्प लेकर उन्होंने जितने भी उनके असेट्स हैं जो अलग अलग पूरे ट्रैक्स के ऊपर यहाँ पर 65,000 किलोमीटर से बड़ा उनके ट्रैक्स हैं और उन सब स्टेशंस के ऊपर जो है वहाँ पर उन्होंने पूरा उसका मॉनिटरिंग किया और उसके बाद पूरा जो है उसका मैपिंग किया कि कौन सी जगह किस जगह पे क्या चीज़ यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तभी उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको कुछ भी अगर ढूंढना है कि अभी उनको कोई बॉक्स ढूंढना है जहाँ पर सिग्नल वगैरह फेल हो गया है तो इजीली वहाँ पर जाके वो उसका ट्रैकिंग करके अभी वहाँ पर उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा है यात्री रास्ता जो है ये स्पेशली लॉन्च किया गया है हम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ पर जो है वो स्मार्टफोन्स वगैरह का उपयोग करके इस ऐप का उपयोग करके जो है वो स्टेशन को ईजिली ढूंढ सकते हैं जाकर कि स्टेशन कहाँ पर है, क्या क्या फैसिलिटी स्टेशन के आसपास एंड ऑल दैट, ये सब चीजें जो है वहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ऐप यहाँ पर है। अभी ये जो क्वेश्चन है, अभी कोई एग्जाम हुआ था रिसेंटली, कोई एग्जाम हुआ था अभी नाम याद नहीं है, वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो मतलब किसी का रेलवे या बैंक वगैरह किसी का था तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट में, ठीक है। अगला यहाँ पर है कटी बिहू फेस्टिवल जो असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो थर्ड बिहू फेस्टिवल जो है इट्स नोन एज द कटी बिहू या फिर कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी स्पेशली जो वहाँ पर अच्छी फसल के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, यहाँ पर कुछ वुमेन्स हैं जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर है, अपना असम का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके अंदर यहाँ पे वुमेन्स डांस वगैरह करती है और वहाँ पर असम का जो कटी मंथ है, मतलब वहाँ का जो कैलेंडर है उसका जो कटी मंथ है उसके अंदर इसको वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है कि अभी आने वाली जो उनकी फसल है वो फसल अच्छी हो। अभी रूरल और अर्बन दोनों एरियाज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली जो वहाँ पे जो पैडी का फसल होता है, जो चावल का
फसल होता है उसको वहां पे अच्छे तरीके से हो उसके लिए यहाँ पर मनाया जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर खेतों के अंदर एक आकाशबाती लगाई जाती है, एक लेंटर्न लगाया जाता है जो कंडल होता है ना उस टाइप से लगाया जाता है खेत के ऊपर पोल्स के अंदर, ठीक है, ताकि वहां पर जो फसल वगैरह है उसको भगवान उस लाइट को देखे और उनको अच्छी फसल वगैरह प्रोवाइड करे, ऐसा वहां पर मान्यता है। ठीक है, तो इट्स अ कटी बिहू फेस्टिवल इन द आसाम। अगला यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी पुलिस मेमोरियल डे के दिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक अवार्ड यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया है। बेसिकली अभी हम देखते हैं कि हमारी जो डिजास्टर रिलीफ के जो ऑपरेशंस हैं, जो आपके प्राकृतिक आपदा के अंदर जो हेल्प करने वाले लोग हैं, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड बनाता है, उसके अंदर कई अलग अलग बटालियंस हैं अभी वहाँ पर, आर्मी के, पुलिस के और आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके कई जो जवान हैं वो जवान वहाँ पर जाकर अपना काम करते हैं अलग अलग बटालियंस के अंदर है, वो अपनी सर्विस के होने के बावजूद वहाँ पे जाके अपना हेल्प वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, अपनी फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी उनको जो है अभी तक तो कोई सम्मान वगैरह अलग से मिलता नहीं था, तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि अभी ये लोग जो है डिजास्टर के अंदर इतना हमारा हेल्प करते हैं और अभी हमको भी चाहिए कि उनको कोई सम्मान मिले, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उन लोगों को डिजास्टर रिलीफ के अंदर, प्राकृतिक आपदा के अंदर जो है उन लोगों का हेल्प किया जाएगा, वहाँ उनको जो अवार्ड है वो अवार्ड वहाँ पर हर साल दिया जाएगा। और उसी के साथ जो पुलिस कमेमोरेशन डे है अभी, उसको वहाँ पर पुलिस मेमोरियल नई दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी के अंदर नेशनल पुलिस मेमोरियल वहां पर एस्टैब्लिश किया गया है, जहां पे पुलिस का पूरा हिस्ट्री आपके ब्रिटिश के और उसके पहले के टाइम से लेकर तो अभी पुलिस के अंदर क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ वहां पर डिपेक्ट किया जाएगा। आई विल विजिट दैट प्लेस सून, फिर आपको बताऊंगा कैसा प्लेस है वहां पर। ठीक है, अगला यहां पर है इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज अंगरिया, उसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अंगरिया इज बेसिकली क्रूज है, क्रूज शिप है, जैसे भोपाल के अंदर वहाँ पे चलता है ना आपके बड़े तालाब के अंदर, उस टाइप का क्रूज है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है लोगों को यहाँ पर ले जाया जाएगा। अभी इसका इनॉग्रेशन किया बाय द नितिन गडकरी जो आपके शिपिंग मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। अभी मुंबई और गोवा के बीच में जो पूरा ये अंगरिया है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और इसका जो नाम है अंगरिया ये आता है एडमिरल कन्होजी अंगरी के द्वारा। ठीक है, अभी जो कन्होजी अंगरिया है ही वॉज क्या बताइएगा, हाँ श्योर, ठीक है अच्छा ठीक है, तो एडमिरल जो कन्होजी अंग्रे हैं अभी ये क्या होते थे, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो ब्रिटिश आपका जो मराठास का पीरियड था वहां पर सतारा के अंदर इनको वहां के एडमिरल हुआ करते थे, वहां पे उसको सुरखेल कहा जाता है, एक पोस्ट होता है या फिर दरिया सरंग कहा जाता है एडमिरल को, तो उस पोस्ट के ऊपर इनको अपॉइंट किया जाता है और कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट एडमिरल ऑफ दैट टाइम, मतलब मराठास के पहले वहां पर कहा जाता है 1698 के अंदर। तो अभी उनके नाम से कन्होजी अंग्रे के नाम से अभी ये इसका नाम जो है वो अंग्रिया यहाँ पर रखा गया है। अभी जो कन्होजी है वो ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज इन सब के साथ में कई उन्होंने नेवल बैटल्स वगैरह वहाँ पर 18 सेंचुरी के अंदर लड़े, और जो यूरोपियंस वगैरह जो है वो उन लोगों को एक तरीके से इसको इनको कन्होजी को एक पायरेट्स मानते थे, एक जो क्या कहते हैं समुद्री लुटेरा, ठीक है, जैक स्पैरो नहीं, आजकल तो आमिर खान चल रहा है ट्रेंड के अंदर, तो जो भी नाम है आमिर खान का उसके अंदर वो मानते थे, पायरेट्स मानते थे वहां पर। ठीक है, तो अभी बाकी वो तो अभी अपने स्टेट के लिए वहां पर काम कर रहे थे, उसके बाद यहीं पर जो है एक अंग्रेजी अंग्रिया जो है कोरल रीफ है इसी यहाँ के बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, तो अभी फिरंगी नाम था क्या, अच्छा ठीक है, देख लिया मतलब मूवी, ओके, तो अभी अंग्रिया कोरल रीफ जो है वो प्रवाल भित्ति वहां पर है, तो उनका नाम उसके नाम पर रखा गया है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट है ये, और उनका बैकग्राउंड भी आपको जानना जरूरी है, एग्जाम के अंदर कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला खबर यहाँ पर है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चार हिमालयन पीक, हिमालयन जो आपका पूरा एरिया है वहां पर चार नए पीक है उनका नाम जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखे गए हैं, और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी के अंदर, मतलब इन द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वहां पर रखे गए हैं, इनका नाम रखा गया है इट्स अटल 1, अटल 2, अटल 3 एंड अटल 4। ये वहां पर जो सेफी पीक्स हैं, एक रक्तावन वैली है वहां पर उत्तरकाशी के अंदर, वहां पर इनका जो नाम है वहां पर उनके नाम से रखा गया है, ये रिस्पेक्टिवली उसका 6557 जो है उसका हाइट, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किसके नाम पे रखा गया है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, इट्स मे नहीं हम, ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ फॉर सोसाइटी। एक बहुत ही बेसिकली अभी नाम सुनने के लगता है कि ये क्या है यार, मे नहीं हम, ये क्या बात हुई, ठीक है, मैं तो मैं ही हूँ, हम कैसे हो सकते हैं। तो अभी देखो बेसिकली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी आपने CSR के बारे में नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 2% अपना जो भी फंड है उसके अपना जो उनका इनकम है उसका 2% जो है वो सोशल वर्क के अंदर वहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो अभी ये तो ठीक है उन्होंने पैसा दे दिया और सब कुछ हो गया, लेकिन अभी उनके एम्प्लॉयज का उन लोगों का वहां पर सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए स्टार्ट किया गया, कि अभी यहाँ पर जब ये पूरा इसका मीटिंग हुआ और बहुत सारे अलग अलग पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
द्वारा, और दिल्ली के अंदर जो हॉल था उसके अंदर कई लोग आए थे। उसके बाद कई बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो टाटा हो या फिर महिंद्रा हो, और कई कंपनीज के लोग जो हैं वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर बात की और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि अब यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी, आपको सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहिए। महीने में आप एक बार दो बार जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अभी लोगों के बीच में जाएं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं या फिर सफाई का काम करें, जो भी आपसे बन सकता है वो आप वहाँ पर बच्चों को टेक्निकल कोई या फिर आईटी प्रोफेशनल ज़्यादातर वहाँ पर थे उसमें, तो आप आईटी की कोई मदद वहाँ पे लोगों को सिखा मदद दें, लोगों को एप्स वगैरह चलाना सिखाएं गवर्नमेंट के। तो इस तरह से फैसिलिटीज़ लोगों को वहाँ पर आप मतलब चीज़ें जो है वहाँ पर लोगों को जाकर सिखाएं, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी इंस्पायर किया और काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। उन लोगों ने अपनी भी स्टोरीज़ वगैरह वहाँ पर उसके अंदर शेयर की थी। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव के अभी जो देश है, कहा जाता है ना कि देश अकेले से नहीं बनता, सब लोगों से मिलकर बनता है, तभी धीरे धीरे जो है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर अभी मैं नहीं हम जैसे कैंपेन हो, जहाँ पर सोसाइटी को जो है वो वहाँ पर गवर्नेंस के साथ में जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो है एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर यहाँ पर है स्टैपकॉ 2018। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, अभी आपके जो कोरल रीफ्स हैं हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, तभी वो लगातार उनका डिग्रेडेशन यहाँ पर हो रहा है और उनको स्टडी करने के लिए यहाँ पर जो ये जो समिट है, ये समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। इसका जो थीम था, इट्स अ रीफ फॉर लाइफ। तो अभी कोरल रीफ, जितना अच्छा कोरल रीफ कहीं भी एरिया के अंदर होगा, ये इंडिकेट करेगा कि वो जो ओशन है या जो भी समुद्री तट है वहाँ पर लाइफ कितना अच्छा है, वहाँ पर पॉल्यूशन कितना कम है। तो जितने अच्छे कोरल रीफ होंगे ना, उतना अच्छा वहाँ पर लाइफ वहाँ पर माना जाएगा, उस पानी को उतना स्वच्छ माना जाएगा, उस एरिया को उतना लेस पॉल्यूटेड माना जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर लगातार देखते हैं कि अभी लगातार पिछले कुछ सालों से पॉल्यूशन के कारण जो है वो ये सभी जितने भी कोरल रीफ्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर खतरे के अंदर आ रहे हैं और इनका कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। ठीक है, ब्लीचिंग अभी इनका जब ये जब खराब होते हैं, ठीक है, इनका डिग्रेडेशन होता है, इट्स कॉल्ड द कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग इनका हो रहा है, ब्लीचिंग के बाद जो है ये व्हाइट कलर के एक्चुअली हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर एड्रेस करने के लिए एक मिनट, उसको यहाँ पर एड्रेस करने के लिए जो है यहाँ पर ये चीज की जा रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद एल नीनो जो इफेक्ट है, उसके कारण जो कोरल रीफ्स को नुकसान हुआ है 1988 और उसके बाद जो हर कुछ सालों के अंदर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर इस तरीके से आयोजित की जाती है, जहाँ पर हर 10 साल के अंदर 98 के बाद 2008 और 2018 के अंदर आयोजित की गई थी, जहाँ पर इसका पूरा स्टेटस देखा गया कि पिछले 10 साल के अंदर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं। देखो, एल नीनो क्या होता है, एल नीनो एक इफेक्ट है जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो बारिश हो, बारिश के अंदर संभावना कम हो जाती है। अब सुना होगा ना कि एल नीनो का इफेक्ट है, तभी एल नीनो क्या करते हैं कि यहाँ पे पेरू के आसपास कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ बस में, ठीक है, यहाँ से कुछ वाटर स्ट्रीम्स और विंड्स चलती हैं, जो विंड्स यहाँ पर हमारे इंडिया के शोर के ऊपर आती है। तो जिस साल भी एल नीनो आता है उस समय जो बारिश वगैरह है वो बारिश हमारे यहाँ पे कम होती है। तो एक्चुअली हमारा जो पूरा वेदर सिस्टम यहाँ पर बनता है और पूरा ठीक है हमारा पूरा जो मानसून का सिस्टम बनता है, तो ये एल नीनो जो है बेसिकली जो वेदर का जो सिस्टम है, पूरा वेदर के सिस्टम को यहाँ पर इफेक्ट करता है। ठीक है, अभी जो यहाँ पर हवाएं चलती है जो हमको यहाँ पर बारिश देती है, तो अभी इनके जो स्पीड है और इनका जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर जो लैडन कंटेन होता है उसको यहाँ पर कम कर देती है। इट्स कॉल्ड द एल नीनो इन द शॉर्ट। ठीक है, अभी इसके बारे में कभी ज्योग्राफी का भी कोर्स अभी मंडे को स्टार्ट हो जाएगा, तो समय पर और हम चीजों को डिस्कस में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे ज्योग्राफिकल इफेक्ट जिसके कारण इंडिया के अंदर जो बारिश वगैरह जो है वो काफी कम हो जाती है उस पर्टिकुलर साल के अंदर। अगली खबर यहाँ पर कि BS4 जो व्हीकल्स हैं वो 1 अप्रैल 2020 से भारत के अंदर नहीं बिकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने काफी पहले बोल दिया था, जब हमने BS3 से BS4, BS इज द भारत स्टेज 3, तो यहाँ पर एक्चुअली जो इमिशंस होते हैं वो इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर इसको किया जाता है। अभी पहले देखो यूरो नॉर्म्स आए थे यूरोप के अंदर, तो यूरोप में तभी यूरो 7, यूरो 8 और यूरो 9 तक वो लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, यूरो 7 वहां पर अभी समाप्त होने वाला है, यूरो 8 लागू होने वाला है। तो बेसिकली कोई भी गाड़ी अगर बनती है तो उसके अंदर जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन का लेवल क्या रहेगा, उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं उनका लेवल क्या रहेगा, कितना उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, कितना उसके अंदर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैसेस रहेंगी, तो उसका जो लेवल है वो वहां पर तय किया जाता है, वो होता है भारत स्टेज, जिसके अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो फ्यूल है, मतलब आपका जो पेट्रोल या डीजल है उसको भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वहां पर बनाया जाता है, ताकि जो पॉल्यूशन हो वहां से कम हो। ठीक है, तभी हमने क्या है काफी लेट इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। सन 2000 के अंदर हम देखते हैं कि एक कमेटी बनी थी, RA मशेलकर कमेटी। इस कमेटी ने बोला कि भारत के अंदर जो भारत स्टेज जो इमिशन स्टैंडर्ड है वो लागू होना चाहिए, और 2000 के अंदर हमने उसको लागू किया, विच इज टू लेट। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 1980s 85 के अंदर जो है उसको लॉन्च कर दिया गया था। अभी हमने उसको यहाँ पर BS स्टेज 4 यहाँ पर लॉन्च किया
अभी मतलब 2016 के अंदर 1 अप्रैल 2016 को हमने बीएस स्टेज 4 लॉन्च किया, बीएस स्टेज 3 को हमने खत्म कर दिया था, और उसी समय गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि देर इज नो स्टेज 5, स्टेज 5 जो है भारत के अंदर नहीं होगी, क्योंकि अभी हम वैसे ही बहुत लेट हो रहे हैं, तो बीएस 5 या अगर बीएस 6 स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पर जो है सर दिल्ली में कब से 6 लागू है, दिल्ली में शायद लास्ट ईयर से 2017 से शायद लागू है बी एस सिक्स, एक्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, बाकी 17 से मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पर बी एस सिक्स लागू है, ठीक है। तभी यहाँ पे बेसिकली 10 साल पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर आउटडेटेड कर दिया जाता है, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है बी एस सिक्स यहाँ पर लॉन्च किया गया, अभी किया जाएगा 1 अप्रैल 2020 से, और उसके बाद जो कोई भी बी एस फाइव फोर मतलब 6 से छोटा जो व्हीकल है उससे कम वाला व्हीकल जो है यहाँ पर जो है वो न इंडिया के अंदर बिकेगा ना उसको वहाँ पर अभी आगे उसको अपग्रेड यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो भी काफी एक अच्छा स्टेप है यहाँ पर। अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने वहां पर एक पिटीशन लगाया था और उन्होंने बोला था कि हमारे ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर बिक नहीं पा रहे हैं और हमको काफी प्रॉब्लम है ऑल दैट, अपना रोना रोने आए थे वहां पर वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मार के जस्टिस मदन बी लोकर की वो बेंच थी उन्होंने उनको तुरंत फटकार मार के भगा दिया कि अभी एनवायरमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इंडिया, ठीक है। द नेक्स्ट इज द ट्रेन 18, इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन, जो अभी यहाँ पर 29 अक्टूबर को इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया, और कल मतलब 14 नवंबर को जो है दिल्ली का जो सफदरजंग स्टेशन है उसके ऊपर मीडिया और लोगों के लिए उसको वहाँ पर रखा गया था कि लोग आके उस ट्रेन के ऊपर अंदर बैठ सके और उसको देख सके। तो ये जो ट्रेन 18 है इसको बेसिकली यहाँ पर एक पूरा इंजन लेस ट्रेन बनाया गया है और पूरी तरीके से इसको पूरा फुली एयर कंडीशनर और काफी पूरा अंदर का जो पूरा इसका अंदर से पूरा जो इंटीरियर है वो एरोप्लेन जैसा बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसको अभी रिसर्च डिसीजन एंड डिजाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन DRDSO है रेलवे का जो इसका डिजाइन वगैरह को पास करेगा और डिजाइन वगैरह उसका पास हो चुका है, ठीक है। पूरा स्टेनलेस स्टील से उसका पूरा बॉडी बना है और 180 किलोमीटर पर आवर जो है इसका ये अभी देखो अभी तो वो इसका ट्रायल रन चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसको दिल्ली से शायद इसके आसपास एरिया के अंदर ही कहीं चलाया जाएगा। अभी सिर्फ आपका यहाँ पर इसका ट्रायल रन जो है वो ट्रायल रन यहाँ पर चल रहा है, तभी कहाँ पे चलाया जाएगा ये भी शायद डिसाइड यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। सो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बार बार आपकी आवाज कट रही है, कट रही है आवाज, एक बार रिफ्रेश कर लो, आई थिंक मेरा ब्रॉडबैंड काफी फास्ट है, एक बार उसको रिफ्रेश कर लो, और नहीं तो फिर अभी नहीं आ रहा है साफ तो उसको फिर रिकॉर्डिंग के अंदर एक बार फिर से उसको सुन लेना, ठीक है। सो क्या नाम था इनका, विवेक चौक से, अच्छा ये तो पहले काफी बार लेक्चर आ चुके हैं, एक बार रिफ्रेश कर लो, नहीं तो फिर अभी एक्चुअली आपको रिकॉर्डिंग के अंदर क्लियर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इनॉग्रेटेड द कृषि कुंभ मेला, इन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है लखनऊ के अंदर। तो बेसिकली अभी कृषि कुंभ जो मेला है अभी वहां पर कुंभ का मेला लगने वाला है अभी कुछ टाइम के अंदर, और अभी वहां पर कृषि कुंभ मेला उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है वहां पर, और बेसिकली वहाँ पर जो फार्मर्स है उनको किस तरीके से वो अपना एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, एग्री मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह कैसे वहाँ पर अपना एग्रीकल्चर को यूज करें, अभी इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर उन्होंने बात वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने की, और कई स्टॉल्स वगैरह वहाँ पर लगाए गए जहाँ पर किसानों को काफ़ी मदद जो है वहाँ उनके द्वारा पहुँचाई गई थी। अभी यहाँ पर दो उसके पार्टनर कंट्रीज हैं, इट्स इसराइल और जापान, जो अपने खुद के जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसके और मॉडर्नाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम बात करें इसराइल की तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी टेक्निक्स जो है इसराइल से हमने उधार ली हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हमने एग्रीकल्चर के अंदर इसराइल की हेल्प से किया। उसका हरियाणा और झारखंड जो है दो यहाँ पर पार्टनर स्टेट है जो वहाँ पर अपना जो भी प्रोग्रेस वगैरह उन्होंने किया, जो भी उन्होंने अपने टाइम में सीखा है वो यहाँ पर आके यहाँ के जो किसान है यहाँ के किसानों के साथ में उन्होंने शेयर किया है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं, इंडिया बिल्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन, विश्व का सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट रेलवे लाइन है वो भारत जो है तैयार करने जा रहा है बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड लद्दाख, नई दिल्ली से लद्दाख के बीच में, क्योंकि लद्दाख आपको पता है कि इट्स अ ड्राई डेजर्ट और काफी ऊंचाई के ऊपर स्थित है। अभी ये जो पूरा रेलवे लाइन एस्टैब्लिश किया जाएगा इट्स अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उसके ऊपर इसका जो इसको बनाया जाएगा, और बेसिकली यहाँ पर बिलासपुर मनाली और लेह, बिलासपुर जो हिमाचल के अंदर है वो वहां से मनाली और लेह पूरा रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाया जाएगा जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेशन जिस नेम इज द किलोंग स्टेशन, और ये किलोंग जो स्टेशन है ये 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर होगा और पूरा अंडरग्राउंड होगा, तो इतनी ऊंचाई के ऊपर अंडरग्राउंड जो स्टेशन है ये भारत का इतनी ऊंचाई पर पहला जो है वो सबसे मतलब वर्ल्ड का सबसे
फर्स्ट स्टेशन होगा जो इतनी ऊंचाई पे अंडरग्राउंड होगा, और भारत का पहला जो है वो रेलवे का अंडरग्राउंड स्टेशन यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी एस्पिरेशनल स्कीम है जहां पर मनाली से न्यू दिल्ली से जो लद्दाख है वहां तक रेलवे लाइन स्टैब्लिश की जाएगी, और बेसिकली इसकी हेल्प से क्या किया जाएगा कि जो चाइना का बॉर्डर है वहां पर हमारा जो एक्सेस वो काफी तेजी से बढ़ जाएगा। इससे संबंधित एक और न्यूज है, मैं उसको एक बार पहले आपको बता देता हूँ। ओके तो आगे से संबंधित एक और न्यूज है, मैं सोच रहा था उसको भी कवर कर लेते हैं, लेकिन आगे देख लेंगे। आई हैव टू फाइंड आउट दैट। हाँ, तो नेक्स्ट इज द अभी बजट कितना है, नहीं बजट वगैरह कितना है, होगा कुछ 10-15 हजार करोड़ रुपए। इट इज नॉट नन ऑफ अवर मैटर। दिक्कत वो है कि अभी बजट वगैरह भी इंक्लूड करके वहां पे और फैक्ट्स इंक्लूड करके आपको परेशान नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो अभी आप बजट याद करते बैठो तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहाँ पर है और ये सब चीजें कहाँ पर है, तो इसलिए बजट वगैरह ज्यादा ये चीजें जो है डिटेल के अंदर इंक्लूड मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर मैं आपको बजट है वो मैं देख के एक बार ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ड्राई डॉक जो है वो कोचीन के अंदर, कोचीन शिपयार्ड जो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे बेसिकली जो शिपयार्ड है इसके अंदर जो शिप्स है वो शिप्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो उद्घाटन किया वो हमारे जो रिवर डेवलपमेंट और बहुत सारी मिनिस्ट्री उनके पास है, इज द पूरा सुन लो उनका, शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी। इतने सारे मिनिस्टर वो इतने सारी उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। तो जितने भी अभी देखो सरकार ने ये किया कि जितने भी अलग अलग जो भी नेविगेशन के जो भी, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे नहीं मतलब रोड ट्रांसपोर्ट हो, अभी वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये सब जो है इनको मर्ज करके यहाँ पर दे दिया गया ताकि वो अच्छे तरीके से चीजों को काम कर सके। उन्होंने और केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनियारी विजयन, इन दोनों ने मिलकर जो है इंडिया का फर्स्ट जो लार्जेस्ट ड्राई डॉक जो है कोचीन शिपयार्ड यहाँ पर उसको लॉन्च किया, और अभी मेक इन इंडिया के अंदर उसको लॉन्च किया गया है। अभी बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शिप्स वगैरह बनाई जाती है, और अभी शिप बिल्डिंग के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इट्स जस्ट 0.66%, पूरे विश्व के जो शिप बिल्डिंग का पूरा मार्केट है उसका सिर्फ 0.66% जो है हमारा है, और अभी उसके बाद जो 2% हम इसके यहाँ पर कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर पाएंगे। अलग अलग टाइप की जो शिप्स है वो यहाँ पे हमारे यहाँ पर बनाई जाएगी। वैसे अभी भी इंडिया के लिए कई जो शिप्स है वो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा और यहाँ पर जो आपका गोवा शिपयार्ड है उनके द्वारा बनाया जाता है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये लॉन्च किया गया है, यहाँ पर काफी हेल्प जो हमारी इंडस्ट्री को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर की। तो इट्स INS तरंगिनी इट्स रिटर्न आफ्टर वॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी INS तरंगिनी जो है इसको जो पूरे वर्ल्ड के अप्रैल के महीने के अंदर पूरे वर्ल्ड के अभी यहाँ पर घूमने के लिए भेजा गया था 7 महीने के लंबे टूर के अंदर। तो INS तरंगिनी उस पूरे टाइम के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जो कंट्रीज है वहां पर गई, और अलग अलग जो नेवल बेस है कंट्रीज के अंदर वहां पर जाके वहां की जो नेवी है उन लोगों से मुलाकात की, और उनसे कई जो इलेक्शन जो आपकी मिलिट्री प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिसेस उन्होंने वहाँ पर सीखी। तो 7 महीने बाद वो रिटर्न होती है आपके कूची का जो नवेल बेस है वहाँ पर, और वहाँ पर जो रियर एडमिरल थे RG कदरान नदकर्णी वो उनको वहाँ पर रिसीव करते हैं। और अभी इसको जो है एक्चुअली इट्स कॉल्ड द लोकायन 18 लोकयान 18 के नाम से इसको जाना गया, या INS तरंगिनी दोनों इसके नाम है जो पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा के अभी आई है। तभी हर 2-3 साल के अंदर भारत इस तरह के जो शिप्स वगैरह वो भेजता रहता है ताकि दूसरे देश की जो नेवी है उनके साथ में हमारे कॉन्टैक्ट जो है वो अच्छे बनते रहे। तो दोनों नाम याद रखिएगा, INS तरंगिनी एंड लोकायान 18। अगली खबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू तकरीबन 600 फीट या फिर 182 मीटर का स्टैचू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसको गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने अभी यहां पर केवड़िया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो 31st of October इज सेलिब्रेटेड एज द विच दिवस, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, पास्ट यूनिटी दिवस, यूनिटी डे या फिर एकता दिवस मनाया जाता है। तो उनकी 143rd जो एनिवर्सरी थी उसके ऊपर जो है उनका जो स्टैचू है वो स्टैचू यहाँ पर लॉन्च किया गया। वेरी गुड आकाश, आस्था, कल्याणी, सोनल, विद्या, ओके वेरी गुड, मतलब सब लोग पढ़ते लिखते हैं लोग हैं। ठीक है, तो ये तो सितारे हैं, आने वाले DC DSP हैं। ठीक है, तो अभी ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो काफी ऊंचा, इसका हाइट है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। उसी के साथ में यूनिटी ऑफ वॉल भी वहां पर बनाया गया पूरे देश के अंदर से, उन्होंने रॉक के सैंपल वगैरह या मिट्टी के सैंपल वगैरह लाए गए, उसके बाद एक वॉल ऑफ यूनिटी भी उसके पास में बनाया गया जहाँ पे पूरे देश के जितने भी
रॉक्स के और सॉइल के सैंपल थे उनसे पूरा वॉल वहां पर बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड जो है अभी वो है, अब हो गया है चाइना का जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है 153 मीटर का, जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति हुआ करता था, अभी उसका जो स्थान है वो सरदार पटेल की मूर्ति ने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो अभी इंडिया का जब इंटीग्रेशन हुआ तो उनके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है सरदार पटेल ने वहां पर प्ले किया था, भारत का पूरा एकीकरण उन्होंने किया था, ठीक है। तो इसका जो बजट है वो है 2989 करोड़ रुपीस, अभी कौन बजट पूछ रहा था, तो इसका बजट काफी चर्चा के अंदर था इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है। तकरीबन 3000 कौन पूछ रहा था, आकाश पूछ रहा था, ठीक है। तो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का इसका बजट है और इसमें कई क्वेश्चन उठाए गए कि इतने पैसे में इतने हॉस्पिटल बन जाते, इतना ये बन जाता, उतना बन वो बन जाता, लेकिन देश का एक प्रतीक के रूप में उसको स्थापित किया गया और दिस इज रियली कमेमोरेबल इवेंट यहाँ पर हुआ। और अभी वहाँ पर जो 15,000 से 20,000 सैलानी जो है वो रोज वहाँ पर इसको देखने आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर ये बन जाएगा। इवन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सरदार पटेल का जो हार्ट है यहाँ पर, वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, एक पूरा वहाँ पर म्यूजियम बनाया गया सरदार पटेल से संबंधित और कई दूसरी चीज़ें उस पूरे यहाँ पर उसको रखी गई हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल या फिर राष्ट्रीय खबरों की, तो 12th ASEAN समिट एशिया यूरोप मीटिंग जो है वो अभी बेल्जियम के अंदर आयोजित की जा रही है, उसके अंदर हमारे जो एम वेंकैया नायडू है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वहाँ पर ब्राज़ील के अंदर वहाँ पर वो गए हैं। अभी एक्चुअली इन सब समिट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं लेकिन ही वॉज बिजी समवेयर एल्स, तो अभी यहाँ पर एम वेंकैया नायडू यहाँ पर गए थे और उसका जो थीम था इट्स अ ग्लोबल पार्टनर फॉर द ग्लोबल चैलेंज, जो वैश्विक जो चुनौतियाँ हैं उनके लिए वैश्विक साझेदार या फिर वैश्विक पार्टनर, तो ये उसका थीम यहाँ पर रखा गया था। ये जो इवेंट है वो बायनुअल रहती है, हर 2 साल के अंदर आयोजित की जाती है और यहाँ पर एशिया और अफ्रीका से जो है यहाँ पर 51 हेड ऑफ द स्टेट 51 देशों के जो प्रमुख है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए थे इसके अंदर। और बेसिकली यहाँ पर कई चीज़ें जैसे कि आपका ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी है, टूरिज्म है, ये सब चीज़ों के अंदर यहाँ पर जो मेन फोकस है यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद में जो क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म है उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन वहाँ कर यहाँ पर हुआ। याद रखिएगा 12th ASEAN समिट में कौन गया था, वेंकैया नायडू गए थे, क्योंकि PSC वाला बेवकूफ़ है, वो ऐसे ही कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा के लाके आपसे पूछ लेगा, तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की है। एक बार अगर किसी ने एग्जाम दिया हो तो उसको पता होगा कि PSC क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज यहाँ इंडो जापान ज्वाइंट एक्सरसाइज, इट्स द धर्मा गार्जियन यहाँ पर मिजोरम के अंदर यहाँ पर लॉन्च की गई है, तो इट्स द फर्स्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा 2018 जो इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर इन दोनों की आर्मीज है उनके बीच में यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो इंडिया की ओर से यहाँ पर 6x1 जो गोरखा राइफल्स है, गोरखा रेजिमेंट है हमारा, उसने पार्टिसिपेट किया था और जापान की तरफ से उनका 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स उसने वहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट जाकर वहाँ पर किया था। दोनों देशों के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जन यहाँ पर हुआ है। तो अभी देखो जितना भी करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह आती हैं, तो यू हैव टू क्रिएट द टेबल फॉर दैट। जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर वो तो बनाती है टेबल है, ठीक है। टेबल बनाना, यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम लिखना, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम मत लिखना, हाँ एक्सरसाइज का नाम लिखना और यहाँ पर फिर कंट्रीज का नाम आप सामने लिख लेना, या फिर आप यहाँ पर एक टेबल बनाना जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और आपका जो नेवी है तीनों का यहाँ पर है, यहाँ पे सामने कंट्री का नाम लिख लेना, हाँ कंट्री का नाम लिखना। जैसे यहाँ पे लिखना अमेरिका, तो यहाँ पर फिर युद्ध अभ्यास या फिर जो भी उनके साथ में होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनका जो भी इवेंट होता है उसको यहाँ पर सामने लिख लेना, एक टेबल यहाँ पर आपका अच्छा खासा बन जाएगा। हियर इज द कंट्री, कंट्री का नाम यहाँ पर होगा और यहाँ पर फिर आर्मी, एयरफोर्स और आपका नेवी, तो तीनों का जो नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट बन जाएगा कि यहाँ किस देश के हाथ में क्या क्या चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। हाँ मंथ टू मंथ अच्छा होता है लेकिन अभी वो मंथ एंड होने के बाद होता है ना, ठीक है। तो अभी डेली तो आप कवर करो उसको, क्योंकि डेली बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पर एक घंटे के अंदर सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 पार्ट के अंदर आजकल बनाता हूँ, तो अभी वो डेली वाला भी कवर करो साथ ही मंथली भी कवर करो, ताकि जो पूरा करंट अफेयर का पूरा जो पैकेज है वो आपको मिल जाए और एग्जाम के अंदर कुछ भी आपसे न छूटे, ठीक है। तो क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स है वो करंट अफेयर की तरफ बहुत ज्यादा जो इंक्रीज है वो मतलब वो करंट अफेयर की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मैप को Actually, there is no option of zoom. Okay, ठीक है। तो अभी अगला न्यूज़ यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी ब्रीज बिटवीन चाइना और हांगकांग के बीच में यहाँ पर अभी बनाया गया है, चाइना और हांगकांग के बीच में। तो अभी चाइना आप देखेंगे इट्स कॉल्ड द मेनलैंड चाइना, मेनलैंड चाइना और जस्ट अ वेट, हाँ
तो मेनलैंड चाइना और हांगकांग के बीच में यहाँ पर एक ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा जो ब्रिज है यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, ऑन द इट्स कॉल्ड द हांगकांग इट्स कॉल्ड द हांगकांग हुआजी मकाओ ब्रिज। और ये जो पर्ल रिवर एस्चुरी है, दिस इज द, अब अगर मैप के अंदर देख रहे होंगे तो दिस इज द हांगकांग और दिस इज द पर्ल रिवर एस्चुरी, और उसके बीच में यहाँ पर जो ये ब्रिज है वो ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। अभी स्लाइड जब मैं आपको लेक्चर उधर दूंगा ना आपके ग्रुप के अंदर, तो वहां पर डाउनलोड करके इसको जूम करके एक बार देख लेना, अभी आपको यहाँ से साफ नहीं दिखेगा। तो उनके बीच में ये जो पूरा ब्रिज है वो ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। और बेसिकली अभी हांगकांग और हुआई के बीच में जो डिस्टेंस था, जहाँ पर पहले 3-3.5 घंटे वहां पर जाने में लगता था, जहां पर अभी सिर्फ 30 मिनट के अंदर जो है ये डिस्टेंस यहाँ पर क्रॉस किया जा सकता है। तो 55 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और एक पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट जो है चाइना ने अंदर किया है। अभी चाइना तो है वो कुछ भी करता है, उसका कुछ कह नहीं सकते। आगे कुछ न्यूज़ और चाइना की देखेंगे कि चाइना क्या क्या कर सकता है, ठीक है। 2018 का यूनाइटेड नेशन डे जो है, इट्स अभी जो है वो अभी यहाँ पर 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ था यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, और उसके बाद 1971 के अंदर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हर साल जो है हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि हर साल जो है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंदर जितने भी संयुक्त राष्ट्र के मेंबर कंट्रीज हैं उनको कहा जाता है कि आप अपने देश के अंदर यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, जो भी रैली वगैरह निकालना है या जो भी प्रोग्राम्स वगैरह वो आप करें, ताकि लोग जो है यूनाइटेड नेशन को जान सके। अगली खबर की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है अंडर द वन रूफ, ये इस्तांबुल के अंदर यहाँ पर इसको भी ओपन किया गया है। और अभी अंडर वन रूफ मतलब कि अभी आप देखेंगे कि जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर 3 टर्मिनल है, तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, इंदौर के अंदर एक ही टर्मिनल है, तो अभी वो अलग अलग रूफ के अंदर अलग अलग जगह पे, मतलब एक ही जगह बने हैं लेकिन अलग अलग रूफ्स वहां पर है। लेकिन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है अंडर वन रूफ, एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है। और इट वॉज कैपेबल ऑफ, मतलब 200 मिलियन पैसेंजर्स हैं उनको यहाँ पर हर साल, वो यहाँ पर उनको एंटरटेन कर सकता है, उनको वहाँ पर ट्रेवल करवा सकता है। अभी जो ओपन हुआ है इट्स 90 मिलियन कैपेसिटी वहाँ पर है, कि 90 मिलियन पैसेंजर्स हर साल को वहाँ पर वो ट्रेवल करवा सकता है। ये इसको लॉन्च किया गया जब उनका रिपब्लिक डे ऑफ टर्की होता है 29 अक्टूबर को, उस दिन इसको लॉन्च किया गया उनके नेशनल डे के ऊपर। और 7.5 बिलियन यूरो जो है वो उसका यहाँ पर बजट है। अब मूव करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है बीपी कोलंबो, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उसने इसको मरकरी, मतलब आपका जो क्या कहते हैं मरकरी को, इट्स कॉल्ड द मंगल, शुक्र, व्हाट कॉल्ड मरकरी हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी बुध, अरे यार क्या कर रहे हो, बुध बोलते हैं, सब बुध बोल रहे तो बुध बोलते हैं, ठीक है। तो ओके बुध ग्रह आपका मरकरी है, मरकरी को भी यहां पर ओके ठीक है ठीक है। अरे नहीं यार मरकरी, वो मरकरी नहीं, ये रविशंकर पांडे ना मजाक के मूड में है आज, ठीक है। तो मरकरी जो है, मरकरी जो आपका जो प्लैनेट है, अभी वहां पर उसने एक मिशन यहाँ पर बेपी कोलंबो नाम से एक मिशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ जापान। जापान का जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो वहाँ पर जाक्सा और ईएसए है, तो उन्होंने यहाँ पर इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। और उसको लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरियन 5, वहां का जो रॉकेट है उनका, तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, सबसे पावरफुल रॉकेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर एरियन 5, उसके द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा, जो यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना से उसको 20 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, और अभी ये डिस्टेंस कवर करेगा 5.2 बिलियन माइल्स किलोमीटर, मतलब तकरीबन 8.5 बिलियन किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करके 2025 के अंदर जाके वो वहां पर मरकरी की सतह के ऊपर पहुंचेगा और वहां पर जाकर रिसर्च वगैरह करेगा। तब तक तो आप डीसी डीएसपी बन चुके होंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर है चाइना लॉन्च, अभी चाइना वापस चाइना आ गया है यहाँ पर, उसने आपका बैदुई 3 नेविगेशन सैटेलाइट जो है, उसके नए नेविगेशन सैटेलाइट जो है यहाँ पर उसने लॉन्च करे हैं। तो स्पेशली जैसे आपका जीपीएस है, आज के आपके मोबाइल के अंदर आप जीपीएस चलाते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो अमेरिका द्वारा बनाया गया, इट्स आई थिंक 34 या 35 जो कॉन्स्टोलेशन है, मतलब जो सैटेलाइट्स हैं उनका पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसने पूरे अर्थ को यहाँ पर ढक रखा है 34-35 सैटेलाइट्स ने, कि पूरे अर्थ के अंदर आप कहीं भी आप जाओगे तो आपको नेविगेशन वहाँ पर मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो आपको लोकेशन आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उस तरह चाइना ने जो अपना बैदयू जो 3 है नेविगेशन सैटेलाइट, उसने यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो अभी हाँ मैं पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया, ठीक है।
तो अभी उसको उन्होंने लॉन्च किया है, और अभी ऑलरेडी 14 सैटेलाइट वो लॉन्च कर चुका है, और अभी दो सैटेलाइट उसने और यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। और वहां पर उसका जो बेसिकली उनका एक रॉकेट है, नेम इज द लॉन्ग मार्च 3B उनका रॉकेट है, उस रॉकेट के द्वारा उसको जिंगयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से यहाँ पर उन्होंने वहां पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये उसका 287th मिशन था, और अभी 3 सैटेलाइट और आने वाले समय के अंदर वो वहां पर लॉन्च करने वाला है। तो कार्तिक इंडिया में तो नाविक है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है? नाविक का नाविक तो प्राइम मिनिस्टर ने नाम उसका दिया था, उसका ओरिजिनल नाम क्या है जो इसरो ने स्टार्टिंग में यूज किया था? फटाफट इंडिया ने उसको, सभी जवाब दें, इंडिया ने उसको जो इनिशियली जो नाम यूज किया था वो क्या था? नाविक तो प्राइम मिनिस्टर ने दिया, यस, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन स्पेस सैटेलाइट, IRNSS उसको लॉन्च किया, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर ने उसका नाम जो है वो नाविक नाम यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो वो इंडिया का है, और उसका भी सभी जो सैटेलाइट्स हैं वो, अभी एक सैटेलाइट बचा है जो फेल हो गया था, वो फिर से रिलॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास भी इस GPS जैसा सिस्टम जो है वो हमारे पास भी अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो चाइना अपना आर्टिफिशियल मून लॉन्च कर रहा है, अभी हम लोग तो चंदा मामा बैठ के हुए हैं कि चंदा मामा दूर के एंड ऑल दैट, अब चाइना ने अपना खुद का आर्टिफिशियल मून जो है वो यहाँ पे लॉन्च करने का घोषणा कर दिया है। वहां का एक सिटी है, इट्स नाम इज चैदुंग, जहां पर 2020 के अंदर एक आर्टिफिशियल जो मून है वो वहां पर लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये आर्टिफिशियल मून जो है वो काम कैसे करेगा, उसको तकरीबन 500 किलोमीटर्स अबाउट द अर्थ जो है उसको वहां पर उसको स्टेशन किया जाएगा, और उसके बाद अभी आप देखोगे 500 किलोमीटर ऊपर जो है वहां पर उसके अंदर मिरर्स वगैरह लगाए गए हैं, तो जिस तरह से चंद्रमा को रोशनी मिलती है बाय दूसरे, उसका खुद का रोशनी नहीं है वो, बाकी दूसरे जो सन है उसका एनर्जी का उपयोग करके अभी वो अपना जो उस वो वहाँ पे ग्लो होता है, तो उस तरीके से यहाँ पर इस तरह से मिरर्स वगैरह लगाए गए हैं, तो उसको जो पूरा बनाया गया है कि वो जो सन का लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके जो है वो रात के अंदर चाइना के अंदर यहाँ पर उजाला देगा, और ये 10 से 80 किलोमीटर का जो डायमीटर है उसके अंदर वहाँ पर रोशनी दे सकता है। बेसिकली वहाँ पर जो ये चेंगदू वगैरह जो एरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जो आपका जो स्ट्रीट लाइट है वो ठीक से काम नहीं करता, तो स्ट्रीट लाइट का सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पर निकाला है, और दिस इज रियली अ वेरी बिग थिंग कि अब हम आर्टिफिशियल मून यहाँ पर बना रहे हैं। इसके पहले रशिया ऐसी कोशिश कर चुका है, लेकिन रशिया वहां पर उसके अंदर यहाँ पर फेल हो गया है, और एक्चुअली अपना जो मून है मून से 8 गुना ज्यादा जो रोशनी है वो यहाँ पर ये देने वाला है, ठीक है। हाँ कह सकते हैं फोर टैपिंग सोलर एनर्जी बोल सकते हो उसको, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है IR, नहीं, वो तो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, उसके लिए आप निश्चिंत रहो कार्तिकीय, वो अपन ठीक करवा देंगे, ठीक है। वो तो अपने बाएं हाथ का काम है, हमारे इसरो के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, तो डोंट वरी वो ठीक हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो यूरोप, ये सेम चीज आ गई है, वो जो पहले न्यूज था वो यहाँ पर आ गया है। अगली खबर की बात करें तो इट्स रिलेटेड टू जो आपका बिलासपुर मनाली मनाली जो लेह था उससे संबंधित है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है वहां पर एयरक्राफ्ट जैसा प्रेशराइज रेलवे कोच जो है यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, तभी आप देखेंगे कि जो आप लेह वगैरह जाओगे या कारगिल जाओगे तो वहां पर जो प्रेशर है, प्रेशर कंडीशन ठीक नहीं है, वहां पर जो प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, तो उसके कारण जो है आपको काफी प्रॉब्लम वहां पर हो जाती है। तो इस तरह जो एरोप्लेन है उसके अंदर पूरा प्रेशर सिस्टम रहता है, अभी आप एरोप्लेन के अंदर इतना ऊपर 36,000 फीट के ऊपर उड़ते हैं लेकिन आपको फील नहीं होता कि आप इतनी ऊंचाई के ऊपर हैं, क्योंकि वहां पर पूरा जो उसका कोच होता है एरोप्लेन का वो पूरा जो प्रेशराइज होता है, कि अभी वहां पर पूरा प्रेशर सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाता है कि अभी आपकी बॉडी का जो प्रेशर है वो एटमोस्फिक प्रेशर जो है उसके इक्विवेलेंट वहां पर बना रहे। तो इस तरीके से वहां पर पहली बार अभी भारत के अंदर जो है इंडियन रेलवे प्रेशराइज रेलवे कोच जो है यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, जिसके द्वारा जो काफी अच्छे तरीके से जो ट्रेवलर्स हैं वो यहाँ से लेह वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली से वहां जाएंगे तो प्रेशर कंडीशन काफी चेंज हो जाएगी, तो एक काफी बड़ा अचीवमेंट है कि हम इस तरह की जो चीज है वहां पर हम भारत के लिए यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अगली खबर की बात करें तो CSIR जो है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है अभी इसने 3 नए पटाखे लॉन्च किए हैं, इट्स नेम इज द स्वास, सफल और स्टार। बेसिकली ये बोला जाता है कि ये जो है ये जो हार्मफुल केमिकल वगैरह इसके अंदर होते हैं वो हार्मफुल केमिकल वगैरह इसके अंदर नहीं होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से ये जो
फटाके हैं वो एनवायरमेंटल को लॉस भी नहीं करेंगे और आवाज भी कम करेंगे, और अभी सब कुछ इसके अंदर ठीक होगा, आवाज कम करेंगे तो काय के फटाके। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है, सेशल्स ने यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट सॉवरिन ब्लू बॉन्ड यहाँ पर इशू किया है। अभी सेशल जो कंट्री है बेसिकली पूरा जो है वो अभी वहाँ पे आइलैंड्स वगैरह हैं, और अभी उसने जो विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक और इनके साथ में जो है ब्लू बॉन्ड यहाँ पर इशू किया है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो उनका जो पूरा नेटवर्क है जहाँ पर वो अपने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वगैरह के लिए काम करते हैं, तो उसके अंदर लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करें और वहाँ पर पैसा आ सके। जैसे ग्रीन बॉन्ड अभी कुछ समय पहले आया था, ग्रीन बॉन्ड उसके अंदर आपका जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और आपका पूरा जो क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी और उसके ऊपर जो है काफी पैसा वहां पर खर्च किया गया था, तभी उसके द्वारा जो है 115 मिलियन जो डॉलर है वो यहां पर रेज वो करना चाहता है, ताकि उसका पूरा जो एरिया, उसके जो मरीन रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से उनको मैनेज कर सके। दिस इज द फर्स्ट सॉवरिन ब्लू बॉन्ड इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट की, कुछ नियुक्तियों की। तो पहला यहाँ पर है मईन अब्दुल मलिक, जो है वो यमन के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। उनको वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दू रब्बू मंसूर हदी, अब्बू रब्बू मंसूर हदी, उनके द्वारा जो है उनको उन्होंने रिप्लेस किया है, एंड हिज बींग द मतलब उनने अभी उनको अपॉइंट किया है, एंड हिज द प्रेडेसेसर ऑफ द अहमद ओबेद बिन दागर को उन्होंने रिप्लेस किया है। तभी अगर आप एमपीपीएससी के अलावा जो दूसरा बैंक वगैरह या कोई दूसरा एग्जाम अभी रिसेंटली दे रहे हैं, तो अभी आपको ये रिसेंट अपॉइंटमेंट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पीएससी के अंदर अभी कुछ नहीं बोल सकते कब क्या वो आपसे कुछ पूछ ले, तो ये नाम जो है वो रिसेंटली एक साल के अंदर जितने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने हैं कुछ कंट्रीज के, वो तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है ड्रोक न्याम्ब्रम शोकपा, ये जो है वो भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। और अभी वहाँ पर जब इलेक्शन हुआ एंड और इलेक्शन के बाद जो है इनकी जो पार्टी है इट वॉन द 30 सीट्स आउट ऑफ द 47 मेंबर का उनका जो नेशनल असेंबली, उसके अंदर से उनको यहाँ पर सीट मिला है और वो जो है वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इट्स अ ड्यूक न्याम्ब्रेंग शोंगपा। ठीक है, वहाँ पर टीम को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, सो इट्स ओनली अ शोंगपा। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है वो आती है कैमरून से। तो यहाँ पर पॉल बिया ही वो सातवीं बार जो है वहाँ के कैमरून के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पर प्रेसिडेंट सॉरी अपॉइंट यहाँ पर 7 टर्म के लिए किए गए हैं। ही गॉट ऑलमोस्ट 71.3% जो वोट है उनको यहाँ पर मिला है, मतलब उनका पॉपुलैरिटी जो है वो 60 टर्म के बाद भी यहाँ पर कैमरून के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर माइकल डी हिगिन जो है ही वॉज रिलेक्टेड, ही इज रिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के नए राष्ट्रपति वहां पर नियुक्त किए गए हैं और अभी उनका सेकंड टर्म है। ही गॉट द 56% वोट और इनके जो प्रतिद्वंदी थे पीटर कैसी, जो बोला जा रहा था कि वो चुनाव के अंदर जीत जाएंगे, लेकिन अभी उनको सिर्फ 23% जो वोट है वो यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो अभी काफी जाने माने पॉलिटिशियन है माइकल डी हिगिंग वहाँ के। ठीक है, तो काफी नाम उनका वहां पर है और काफी नरेंद्र मोदी का जैसा इमेज है वैसा इमेज वहां पर उनका बना हुआ है। अगली खबर की बात करें तो यह है ब्राजील से। तो वहां पर जेर बोलसोनरो वहाँ के नए जो प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, मतलब उनका इलेक्शन के अंदर वो जीत गए हैं। अभी एक्जिस्टिंग जो प्रेसिडेंट है वो तो अभी बने हुए हैं, लेकिन अभी इन द अक्टूबर और मतलब नवंबर या दिसंबर के अंदर जो है वो अभी अपने यहाँ पर उनका जो पावर है पावर के अंदर यहाँ पर आएंगे। ही वॉज मेंबर ऑफ द सोशल जो लिबरल पार्टी है वहाँ का, उसका मेंबर वहाँ पर है और ही अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राजील। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की, कुछ आपके अवार्ड्स की, हिंदी में जो भी कहते हैं पुरस्कारों की। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है खयाम जो है उनको राधानाथ मंगेशकर जो राधानाथ अवार्ड जो है वो अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। खयाम एक जाने माने शायर है और मतलब ही वॉज द म्यूजिक कंपोजर एंड द राइटर एंड द सिंगर है, सभी हैं वो। तभी उनको जो अवार्ड है खयाम को राधानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है, राधानाथ अवार्ड जो है दिया गया। ही इज द राधानाथ मंगेशकर वॉज द फादर ऑफ लता मंगेशकर एंड आशा भोसले। ठीक है, तो उनको जो है अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अना बर्न्स ही वॉन्स द मान बुकर प्राइज फॉर द मिल्कमैन नाम का उनका एक मैगजीन बुक था, उसके लिए उनको जो यहाँ पर अना बर्न्स को जो है मैन बुकर प्राइज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अभी बेसिकली इसके लिए जो है उनको 50,000 यूरो का प्राइज उसके अंदर मिलता है। और मिल्कमैन जो स्टोरी है एक बूढ़े आदमी का और एक यंग लेडी का, मतलब एक यंग गर्ल का, एक जवान लड़की और एक बूढ़े आदमी का, उनका पूरा एक लव स्टोरी यहाँ पर है। और इसके अंदर बेसिकली जो ब्रूटालिटी होती है वुमेंस के साथ में या जो सेक्सुअल इंक्रोचमेंट वगैरह होता है उसके बारे में पूरा बात जो है यहाँ पर इसके अंदर किया गया है। ठीक है, तो अभी 1969 के अंदर जो मैन बुकर प्राइज जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। अभी तक कई इंडियंस को ये जो अवार्ड है वो अवार्ड मिल चुका है। अभी आपको रिसेंटली
मिल्कमैन याद रखना है। अगला यहाँ पर अवार्ड है इज द फली एस नरीमन को जो है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है फली एस नरीमन जो एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के सॉरी वहाँ के जो एडवोकेट हैं अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनने वाले थे लेकिन गवर्नमेंट के थोड़े इंटरप्शन के कारण जो है वो यहाँ पर जज नहीं बन पाए, तो उनको जो लाल बहादुर शास्त्री जो अवार्ड है वो अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड स्टैब्लिश होता है 1999 के अंदर बाय द लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन मेमोरी ऑफ द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया उनके द्वारा, और अभी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है उसने अभी अक्षय कुमार को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अवार्ड नियुक्त किया है। इसके अंदर 5 लाख रुपए और एक पुरस्कार ट्रॉफी वगैरह इसके अंदर मिलती है। अगले अवार्ड की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन जिनको तो आप जानती होंगे भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाने वाले एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, इनको जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज से यहाँ पर नवाजा गया है और अभी उसके लिए उनको $1,00,000 का जो प्राइज है वो प्राइज यहाँ पर उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्राइज है उनको वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने विज्ञान भवन के अंदर एक सेरेमनी के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके नाम से मतलब उनके उससे उनने वहां पर दिया, और अभी इंडिया के अंदर अभी आज हम जो भी एग्रीकल्चर के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट अभी तक कर पाए हैं वो एम एस स्वामीनाथन के कारण ही कर पाए हैं, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इन द इंडिया। अगली खबर की बात करें तो असमा जहांगीर उसने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट प्राइज जो है वो यहाँ पर उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने जीत लिया। एक्चुअली शी वॉज बिलोंग टू द पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और अभी इन्होंने वहाँ पर जो पहली वुमेन है जो वहाँ के पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल है उसकी अध्यक्ष वहाँ पर बनी थी, और उसके बाद जो वहाँ पर वुमेन राइट्स और माइनॉरिटीज़ और एलजीबीटीज के राइट्स के लिए काफ़ी लंबे समय तक लड़ती रही और अभी उनका डेथ हो गया और उसके बाद अभी उनको जो है यूनाइटेड नेशन का जो प्राइज़ है ह्यूमन राइट प्राइज़ उनको असमा जहांगीर को मिला है। ऐसे ही एक अवार्ड मिला है हमारी ये तो पाकिस्तान की है एक मिनट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने इसको मलाला यूसुफ़ज़ई जो ही वाज द नोबेल प्राइज विनर इनको जो जस्ट अ सेकंड तो मलाला यूसुफ़ज़ई है इनको ग्लैट्समैन अवार्ड जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है, तभी बेसिकली इसको अपने एरिया के अंदर एजुकेशन के लिए काफ़ी कोशिश कर रही थी और उनको कुछ आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, तब से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और एक आइकन बन गई यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तानी एरियाज है वहाँ पर वुमेन एजुकेशन के लिए, तो उनको यहाँ पर जो ग्लैट्समैन अवार्ड जो है उनको यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की, खेल की, तो खेल के अंदर हम बात करें तो ICC जो है अपना जो वुमेन रैंकिंग है वुमेन T20 का जो रैंकिंग है उसको ना यहाँ पर लॉन्च कर दिया है और उसके अंदर जो इंडिया है वो 5th पोजीशन के ऊपर 5वें स्थान के ऊपर आ गया है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि ICC ने जो है वो यहाँ पर T20 के अंदर जो वुमेन रैंकिंग है वुमेन रैंकिंग को लॉन्च किया है, अभी तक आपका जो टेस्ट और वनडे रैंकिंग है अभी तक यहाँ पर हुआ करता था, तभी धीरे धीरे जो है ICC वुमेन जो क्रिकेट है उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहा है। अगली खबर की यहाँ बात करें तो एशियन पैरा जो गेम्स हुए थे अभी उसके अंदर इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर, तो अभी उसके अंदर भारत को जो है यहाँ पर 72 मेडल्स यहाँ पर भारत को मतलब टोटल भारत को 72 मेडल्स यहाँ पर मिले हैं इंक्लूडिंग 15 गोल्ड के साथ में, और 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल भारत को यहाँ पर मिले हैं। साथ ही यहाँ पर चाइना जो है वो चाइना तो कमाल है यार, 172 गोल्ड मेडल जो है वो चाइना यहाँ से लेके गया, पता नहीं इतना सोना क्या करता है, हर जगह से ले जाता है, ओलंपिक से ले जाता है, एशियन गेम से ले जाता है, पैरा गेम से भी ले जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा, सोने की लंका बनाएगा क्या करेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ पर सुल्तान जोहर कप जो है जूनियर हॉकी टूर्नामेंट जो है यहाँ पर जीत लिया है और ये टूर्नामेंट जो है मलेशिया के अंदर आयोजित किया गया था 8th सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट जिसको पाकिस्तान ने यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन ने उसको यहाँ पर जीत लिया। ये जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं। ठीक है, बस ये है कि आप सुल्तान जोहर कप ट्रॉफी के अंदर आप जूनियर और सीनियर के अंदर कन्फ्यूज होकर गलत ऑप्शन कभी एग्जाम के अंदर मत लगा के आ जाना। ठीक है, इसलिए बार ये न्यूज़ लोगों को कवर करने में बहुत बड़ा डर लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि आप जूनियर सीनियर में कन्फ्यूज होकर गलत आंसर लगाए, और बहुत बार अभी वो ऑप्शन जो है वो ऐसे ही रहते हैं कि आपको गलत आंसर लगाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर है दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो 3री टाइम यहाँ पर जीत लिया है और ये जो इवेंट है ये हुआ था बैंगलोर के अंदर 2000 अभी मुंबई जो है वो यहाँ पर उसके अंदर मतलब मुंबई को मुंबई लास्ट वॉन द ट्रॉफी अभी 2006-07 के अंदर उसने यहाँ पर मुंबई को मिला था। ठीक है, तो
सॉरी 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 मुंबई ने जो है वो दिल्ली को डिफीट किया है, और यहाँ पर जो अवार्ड है वो अवार्ड यहाँ पर जीता है। अभी यहाँ पर आदित्य तारे जो ही वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो यहाँ पर उनको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो किसने जीता है? मुंबई ने ये ट्रॉफी जीता है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारे विराट कोहली ही रीच टू 10,000 रन इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट के अंदर सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर बन गए हैं, और भारत के पांचवें खिलाड़ी जिन्होंने 10,000 रन जो है यहाँ पर पूरे कर चुके हैं। इसके पहले सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर और ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने जो 5-10 हज़ार रन जो है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पूरे किए हैं, और जो कोहली हैं वो सबसे तेजी उन्होंने यहाँ पर गेन किया है। दो तो मुझे याद आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने, सौरभ गांगुली, बाकी महेंद्र सिंह धोनी शायद उनने 10,000 रन पूरा किया है। तो पूरे पांच नाम आप देख लीजिएगा, तीन तो अभी हमारे सामने आ ही गए हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, ठीक है, और तीसरा आपका विराट कोहली, और चौथा इट मे बी महेंद्र सिंह धोनी और द्रविड़ ऑल्सो। देखो क्रिकेट फैन एक निकल के आया है यहाँ पर, ठीक है, तो पांच नाम यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो पांच लोग हैं इन्होंने अभी तक इंडियन क्रिकेट के अंदर 10,000 रन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो पांच नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द ड्रैन ब्रेवो, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से यहाँ पर संन्यास ले लिया है। अभी आईपीएल के अंदर भी खेलता था, वेस्ट इंडीज का काफी जाना माना बॉलर है, और ये उसका पूरा डेटा दिया है, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। तो अभी एग्जाम के अंदर बेसिकली स्पोर्ट्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि अभी ये किस देश से संबंधित है, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर तो एमपीपीएससी बहुत ज्यादा फोकस करता है। पता नहीं कोई स्पोर्ट्समैन पेपर बनाता है क्या होता है, मैदान में बैठ के पेपर बनाता है, डोंट नो। ठीक है, लेकिन अभी आपको स्पोर्ट्स को बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं इस तरह के आपको इकट्ठे करके रखना है ताकि एग्जाम के अंदर आपको वहां पर हेल्प मिल सके। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है एशियन चैंपियनशिप हुई थी हॉकी का, और उसके अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों जो है वहां पर जो संयुक्त विजेता है वहां पर घोषित किए गए हैं। अभी फाइनल का जो हुआ था, फाइनल के अंदर काफी ज्यादा बारिश हो गई थी मस्कट ओमान के अंदर, तो बारिश के कारण जो है वो दोनों में से कोई मैच नहीं हो पाया ठीक से, और अल्टीमेटली जो है पूरा मैच जो है वो दोनों देशों को जो है वहां पर सम्मान वहां पर विजेता घोषित कर दिया गया। अभी यहाँ बात कर रहे हैं कुछ ऑबिचुरीज की, कुछ देहांतों की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जो है उनका यहाँ पर देहांत हो गया है, और ये उत्तर प्रदेश के जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 76 से 77, 84 से 85 और 88 से 89 जो है तीन टर्म के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड के सीएम भी 2002 से 2007 रहे हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये पहले व्यक्ति हैं जो दो स्टेट के सीएम अभी तक रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अभी मैंने तक पढ़ा नहीं जो अभी दो स्टेट का सीएम अभी वो कोई एक व्यक्ति रहा हो। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज की, तो नोबेल केमिस्ट्री के जाने माने लॉरेट्स शिमामुरा जो है जापान के, उनका देहांत हो गया है। अभी इनको 2008 के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो नोबेल प्राइज इनको मिला था, तो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ द जेलीफिश प्रोटीन और उसके डेवलपमेंट के लिए उनको, मतलब कैंसर स्टडी के लिए उनको जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज उनको यहाँ पर मोरारजी देसाई, प्राइम मिनिस्टर किन दो स्टेट्स के रहे, दो स्टेट के सीएम की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला क्या, दो स्टेट के सीएम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मोरारजी देसाई गुजरात के सीएम रहे हैं, उसके अलावा किसी स्टेट के सीएम नहीं रहे वो, ठीक है, आई थिंक नहीं रहे, फिर भी आप देख लेना एक बार, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं रहे हैं, बॉम्बे एंड गुजरात। अच्छा, अरे नहीं यार, वो तो एक ही बात हुई ना कि, हाँ बोल सकते हो, दैट्स राइट, ठीक है, वेरी गुड, हाँ बोल सकते हैं, वेरी गुड यार, क्या नाम है, ऋषभ सिंह बघे, ऋषभ वाजपेयी, दो बार वाजपेयी क्यों यार, धमाल मूवी देखा है क्या, ऋषभ वाजपेयी वाजपेयी, आई थिंक यू आर राइट कि अभी दो बार जो है वो दो बार जो सीएम वहां के रहे हैं। ये फैक्ट एक बार मैं देखूंगा, रियली थैंक यू वेरी मच, बहुत बार जो है लेक्चर के अंदर बच्चों से भी काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, और यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ाने नहीं आता, आपसे सीखने भी काफी चीजें आता हूँ। अगले यहाँ पर दिल्ली के जो सीएम है मदन लाल खुराना, ही वॉज पासिस अवे। अभी ऐसा तो नहीं इतनी देर में आपने गूगल कर लिया हो, गूगल किया पक्का, ठीक है, फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो है मदन लाल खुराना, अभी उनका 82 ईयर्स की डेथ एज में उनका यहाँ पर, अच्छा पता था क्या, वेरी गुड यार, ठीक है, एक बार और वाजपेयी लगाओ फिर, ठीक है, तो मिस्टर खुराना जो है अभी उनका यहाँ पर देहांत हो गया है, 1993 से लेकर 1996 तक जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और 2004 से जो 2009 तक राजस्थान के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की, तो बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स का जो एक नया बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और लंदन का जो साइंस म्यूजियम है उसके अंदर इनका बुक जो है वो लॉन्च यहाँ पर किया गया है। बुक का नाम याद रखिएगा, इट्स द नेम इज द ब्रीफ आंसर टू द
बिग क्वेश्चन, ठीक है। बाकी डिटेल आप पढ़ लेना क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम हो चुका है, आई हैव टू समराइज ऑल दिस थिंग, ठीक है। अगला यहाँ पर महाराणा प्रताप के ऊपर एक नया बुक वैरियर द इनविंसिबल वैरियर जो है महाराणा प्रताप नाम से एक बुक लॉन्च किया गया है, और ये जो बुक है ये लिखा है रीमा हुजा जो एक जानी मानी हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बुक जो है महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, आई होप यू लाइक द लेक्चर। और अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आपसे रेटिंग पूछा जाएगा, तो प्लीज आप रेटिंग वगैरह वहां पर देके जाइएगा, और उसके बाद टॉपिक रेलेवेंट था या नहीं, तीन चार अलग अलग टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी में आप अपना जो रेटिंग है वो रेटिंग बिल्कुल आप दीजिएगा। जो भी कमेंट वगैरह है कमेंट्स भी आप वहां पर कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी अदर थिंग, एग्जाम एग्जाम ये वो कुछ भी, ठीक है, तो यू कैन आस्क, फटाफट आप मुझसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन पीडीएफ मिल सकता है? हाँ पीडीएफ मिल सकता है। अच्छा आप तो प्लस कोर्स में भी है ना मनु, तो पीडीएफ मिल सकता है, आई विल अरेंज कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। एमपीजी के कब शुरू करेंगे? वैसे एमपीजी के अभी नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आई विल टॉक टू यू रिगार्डिंग टू दैट, ठीक है, मैं बात कर लूंगा उसके बारे में आपसे, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी पर जो है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा ऐप के ऊपर, तो मैं आपको उसके अंदर लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद एमपीजी के कब शुरू हो रहा है, तो एमपीजी के अभी प्लस कोर्स उसका चल रहा है, और प्लस कोर्स के बाद अभी मैं आज कल के अंदर ही एक एमपी का जो जीके अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एमपीजी जनरल आप करंट अफेयर बात कर रहे हैं या जीके क्या बात कर रहे हैं? देखो तो जनवरी के लिए ऋषभ वाजपेयी वाजपेयी मैंने अभी लॉन्च किया है, ठीक है, हाँ एमपी करंट अफेयर, ठीक है। तो अभी वो मैंने लॉन्च किया है जनवरी से लेके मई तक का, और मई से लेके अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जो मेरा अभी तो ये सब कोर्स हो चुके हैं। जनवरी से जो है मैंने एक नया कोर्स अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया है, तो उसको जाके आप देख सकते हो, वहां पे वो स्टार्ट हो चुका है। एमपी करंट अफेयर अभी तक मैं जुलाई अगस्त सितंबर बना चुका हूं, उसके बाद अभी इलेक्शन के कारण पूरा जो डेटा है इसके पहले का वो इलेक्शन कमीशन ने हाइड कर दिया है, तो जैसे ही वो 11 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पूरा जो डेटा ओपन होगा, तो उसके बाद मैं दिसंबर के बाद ही उसको बना पाऊंगा, बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपका मैं पूरा जनवरी से लेके तो जनवरी 18 से लेके बना दूंगा, ठीक है। सर इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट करेंगे? यार इकोनॉमिक्स अभी पहले मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, और ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट मंथ जो है इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी इंडियन पॉलिटी चल रहा है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद अभी ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो अभी हिस्ट्री थोड़ा बहुत पेंडिंग है, पॉलिटी थोड़ा पेंडिंग है, तो ये दोनों के साथ मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा, और ये जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वहां पर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है, वो मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो उसके साथ में वहां पर हो पाएगा। प्लीज ऑल्सो टेक क्लास ऑन कंप्यूटर सेक्शन, अभी तो कंप्यूटर में क्लास लेने का कुछ है नहीं, तो कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ, ठीक है। इंडियन पॉलिटी कहाँ चल रहा है? इंडियन पॉलिटी मेरा जो फ्री प्लेटफॉर्म है, आप पवन मतलब आपके अनअकैडमी का जो ऐप है वो ऐप के ऊपर आप मुझे सर्च करो जाके, तो वहाँ पर इंडियन पॉलिटी के आपको अभी पार्लियामेंट तक के लेक्चर जो है पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरा कोर्स वहाँ पर हिस्ट्री का और ज्योग्राफी इकोनॉमी मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी का वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो वो बहुत ही डिटेल में मैंने हर चीज को यहाँ पर समझाएगा। आई वॉन्ट अनएबल टू सब्सक्राइब फॉर द डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके, यार अब उसका कुछ नहीं कर सकते ऋषभ, अब अगला कोर्स जो है अगली बैच जब ज्वाइन होगी तो उस समय आप यहाँ पे कर सकेंगे, ठीक है। के टेस्ट शेड्यूल किसका, प्लस कोर्स का या दूसरा? हाँ कंप्यूटर पे क्लास आई विल ट्राई कि उसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ा दूँ, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आपके टॉपोलॉजी या फिर जो रिंग मेथोडोलॉजी वगैरह के, ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ा सकूँ। नेक्स्ट क्लास होगा परसों, मतलब टुडे 15-17 को होगा, जिसके अंदर नवंबर का 1 से 15 अगस्त का जो करंट अफेयर है वो वहाँ पर मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट शेड्यूल विनय सेन पूछ रहा है, विकास सेन सॉरी, ठीक है। तो विकास टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट मैं अभी मंडे से जो मध्य प्रदेश आपका जो 100 डेज का क्रैश कोर्स है वो वहां पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो हाँ लाइव क्लिप्स भी वहां पर स्टार्ट होगा सारथी वालों के लिए, नहीं वो सारथी वगैरह सब एक साथ ही स्टार्ट होगा, अलग अलग कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ अनअकैडमी पर ही होगा, ठीक है। तो बस उसके लिए अलग से ग्रुप वगैरह बनाया और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ जो है वो यहीं पर रहेगा।
ठीक है, अन अकेडमी पर रहेगा। तभी उसके अंदर क्या होगा, मैं आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि अभी मैं आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर दूंगा कि इस थ्रू आउट द वीक आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, इन 7 डेज के अंदर वो आप टॉपिक पढ़ना, उसके बाद एक अन अकेडमी के ऊपर जो लाइव क्विज होता है वहां पर एक लाइव क्विज ऑर्गेनाइज करूंगा, तो 7 दिन के अंदर आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन जो है वहां पर आप जाके लगा सकते हैं, ताकि आपका उसके अंदर रिविजन भी हो जाए और आपके जो अलग अलग टाइप के जो आपके एमसीक्यूज हैं वो भी आप वहां पर सॉल्व कर सके। तो ये पूरा इस तरीके से बनाया गया है। अभी यू कैन स्टार्ट विद द SC ST एक्ट, उसके लिए भी कोर्स मैं SC ST एक्ट के लिए बना चुका हूँ। SC ST के बाद आप ह्यूमन राइट एक्ट, और ह्यूमन राइट एक्ट के बाद जो है आप आपका जो सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट है वो पढ़ सकते हैं। तो तीनों एक्ट आप एक सप्ताह के अंदर पढ़ लें, मंडे टू सैटरडे, और फिर संडे को जो है नेक्स्ट संडे, मतलब नॉट दिस संडे, नेक्स्ट संडे जो है उसका जो टेस्ट होगा, तभी आप ये तीनों एक्ट जो है तब तक आप उसको समाप्त कर लें, क्योंकि एक्ट जो है हम कोशिश करेंगे 2 बार एक्ट पढ़ेंगे, और उसी के साथ में जो है वो आप एक्ट के साथ में ही 2 बार आपको एक्ट कम से कम पढ़ना है, तो गेट रेडी टू रीड द एक्ट, तभी एक्ट 2 बार आप पढ़ लें, ठीक है। सो हाउ टू ज्वाइन सारथी ग्रुप, अरे वो सब एक अलग चीज है, उसको यहाँ डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे हम, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, नहीं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पहले 2 बार इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेना है, तो इसलिए पहले हम जो है वो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द दूसरा जो पार्ट वो बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, मेरे अन अकेडमी प्रोफाइल के ऊपर हैं वो, और बहुत रिसेंट तरीके, बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है उनको वहां पर आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी तो उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं, तकरीबन हर कोर्स के ऊपर मोर देन 15,000 व्यूज आ चुके हैं, तो तीनों कोर्स जो है वो काफी ज्यादा अभी मेरे सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। 6 की NCERT के बाद जो सबसे ज्यादा सक्सेस वही तीनों कोर्स हुए, तो वो जाके आप वहां पर फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू एवरीवन, क्योंकि टाइम हो चुका है, आई गॉट द मैसेज फ्रॉम अन अकेडमी कि अभी आप क्लास को बंद कीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच लेक्चर को देखने के लिए, लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए, एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर काफी पसंद आया होगा। थैंक यू।